देखिए गांव में सब गाय के गोबर, भैंस के गोबर सब हमारे घर में ही सब मिल जाता है। और उसका कंडा कैसे बनाते हैं, हमारे इधर बिहार में तो इसको गोरहा चिपरी बोला जाता है, लेकिन बाहर में इसको सब कंडा बोलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मिलाते हैं, बीच में ये खड़ डाल दिए ऐसे पूरा ऐसे करके थपथपा के, और हम लोग इसी से चूल्हा में खाना बनाते हैं। ये हमारा तैयार हो गया कंडा, देखिए ये है ना। पहले भूसा, ऐसे भूसा छीलते हैं ऐसे, फिर उसके बाद क्या करते हैं इसको रखते हैं ऐसे। फिर ये खर है जो है इसको, ये जो है ये इसको ऐसे करके बीच में डाला जाता है, ऐसे बीच में डाल के उसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करके ऐसे। दो चार पाँच दिन लगेगा इसको सूखने में, सूख जाएगा। और बस ऐसे उठाते हैं और बस ऐसे डालते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। ऐसे बना के फिर हम लोग इसी से खाना बनाते हैं चूल्हा पर, इसी से खाए से ही मिला लेते हैं ऐसे 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 ऐसे। देखिए कितना अच्छा, बहुत खाना अच्छा खाना बनता है इस पर, तो खाना भी स्वादिष्ट। पहले तो गांव में चूल्हा पर ही खाना इसी से हम लोग बनाते थे, अब घर घर गैस चूल्हा हो गया सब जगह गांव में भी, तो सब गैस चूल्हा भी रखते हैं, लेकिन चूल्हा भी रखे हम लोग मिट्टी के चूल्हा भी खा लेते हैं, तो उस पर भी हम बनाते हैं। देखिए और ये चूल्हा में आराम से सूखने के बाद हल्का हो जाता है और आराम से चूल्हा के अंदर घुसता है और फिर खाना पकाते हैं ऐसा। ये सूख जाएगा, चार पाँच दिन टाइम लगेगा बस, हो गया। ये है चूल्हा, ये है चूल्हा, इसी में हम लोग उस कंडा से खाना बनाते हैं। और उसका साइज कंडा के बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। ये चूल्हा है।